चुनाव की तारीख जो है डिक्लेयर होगी और नेता जो है सूटम सूट हो रहे हैं। वजह आपने भी पता है, दौड़ टिकट की है, आसी विधानसभा मौजूदा और वीरेंद्र चैल मार्बल वाले। हाँ, डिक्लेयर होगी जब ही लग रहे हैं भाई। अच्छा। हाँ, लगना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा। हाँ, तो तैयारियां किसी की चल रही है? तैयारी फुल जोरों में भाई साहब। नेता तो दिल्ली का नहीं खिंचन की कर रहे, चल साहब बाजारा में भी करना, सारे कवर करने चाहिए भाई। नेताजी सूटम सूट हो रहे हो भाई? सूटम सूट तो हो गया, ये अंधेरी रात थी, नया सवेरा आ गया। तो तारीख भी डिक्लेयर होगी? तारीख डिक्लेयर होगी जी। काला मतलब काला जो समय था जनता का, ये भी उजाला ही उजाला आ गया। वो आपका क्या अनुमान था, बीजेपी जान वाली है? बीजेपी तो गई जी, बीजेपी गई, अंधेरा गया। चुनाव जो है, जो अंदाजा लगाया जा रहा था उससे थोड़े ही पहले डिक्लेयर होंगे, उसका कांग्रेस की फायदा होगा नुकसान होगा? कांग्रेस का ही फायदा है, बीजेपी तो डरी थी कहते दो चार सीट भी ना हो तारी, उनने तो बचा लियो। जा तो कोशिश कर रहे हैं भाई, जल्दी कर करा के भगो रड़ो के रोल फोल करके कुछ कर लिया, तो इनके सारे सपने अधूर खत्म हो लिए। ये जो झूठे हैं, चाहे यहाँ का विधायक से लगा लो, 10 साल जो राजनीति का शोषण हुआ है जनता के साथ, कड़ा अध्याय था एक किस्म का। और जो बोला जिला बनाएंगे, अरे जिला के बिला मिला हिमायती हूँ जिले का, मैं वकालत कर रहा हूँ, ये आज वकालत हुई है, देख लो आप। सत्ता पक्ष कहने लग रहा कल सीएम साहब हांसी आओगे और आप हांसी विधानसभा की राजनीति करते हो, बोले बीजेपी की तरफ एक तरफा मोल कर देंगे। बीजेपी का तरफ जनता का रुझान कोई नहीं है जी, ये डरा के लोगों के, जो लोगों को इकट्ठा करने के, जो गुमराह करने के जो काम कराया करते, वो अब सारी जनता समझ चुकी। अब जनता इतना बढ़िया इनको रिजल्ट देगी, आगे भविष्य में ऐसा कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जोहर नेता देख के सवाल बनेगा, दिल्ली जाने की कब तैयारी है, कब दिल्ली जाके जो है डेरा डाल दोगे? दिल्ली का डेरा जी सारे काम जरूरी है जी, हम जनता का भी आशीर्वाद जरूरी है और वहाँ का भी जी। अच्छा, ग्राउंड की जरूरी है? ग्राउंड तो जरूरी है जी, ये हमारे जो दुकानदार भाई है, व्यापारी भाई है, उनके आदेश भी तो सारे सर्वान्य है जी सबका। हम फिर बीच बचा के कैसे हुए, शासन और जनता के बीच के मध्य अंतर, हम जो एक स्तंभ खड़े हुए हैं तो वो कभी तो होंगे ना जी। कई नेता का अनुभव भाई, ग्राउंड ने तो फिर देख लिया, पहले एक बार टिकट तो ले आवा। अरे टिकट भी आएंगी, सब चीज आएंगी, अच्छा होएगा, बढ़िया होएगा। तो फिर ये बाजार हम आप आए हो, व्यापारी वर्ग के कुछ कहने लग रहा है? व्यापारी वर्ग यही कह रहा है जी, हताशा और निराशा के दिन अब लग चुके हैं और नई किरणों का दौर शुरू हो चुका है। चलो जो है टाइम भी कम है, मैं आपका ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया माहौल जी, चल साहब का। अच्छा, चल साहब का बढ़िया। हाँ। अंकल जी से बात कर ले। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार, तकड़े हो? खूब। अच्छा, यो भाई नु कहने लग रहा, चल साहब का माहौल बढ़िया हो रहा है? बहुत बढ़िया माहौल, चल साहब का बढ़िया हो रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्शन जो है तारीख तब थोड़े जल्दी डिक्लेयर कर दिए, जो आप उम्मीद लगावा थे उससे पहला, तो इसका कांग्रेस ने फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी अंकल सुना दे। बढ़िया, स्वास्थ्य कैसे है? नमा सही है, तमने देख के और खुश। अच्छा, ये तो नेताओं का जो है स्वास्थ्य बिगड़ेगा क्योंकि इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होगी। बिगड़ेगा, ये तो ठीक और होगा, जो 4 साल तक तैयारी करने लग रही, मौका आ गया और जनता जो है आपके सामने है, जिसने मन बनाए रखे जनता ने, तो कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनानी है, तो लोग उसमें लुग रहे हैं। हर आदमी की तमन्ना है भाई प्रदेश में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। चहल साहब के साथ आप बाजारा में जाओ के कुछ कांग्रेस पार्टी सब रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, बहुत बढ़िया जी। सारे भाई ने कहा टिकट ले आओ, आ जाओ फटाफट, बाट देखते हैं। रोड़ा टिकट का है? रोड़ा टिकट का है बस, और कोई झगड़ा नहीं। चलो वो भी जो है डिक्लेयर हो जाएगा कुछ दिन में। एक मिनट भाई जी चाहूंगा मैं आपसे भी, टिकट की जो है लड़ाई है, लोग दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर गए, आप ही भी फील्ड में हो भाई जी, आज आचार संहिता लगी है, हम भी यहीं से टिकट आएगी, यही लोग देखे कौन प्रचार कर रहा है, कौन सेवा कर रहा, पब्लिक की कौन देख रहा है, पब्लिक के बीच में रहना जरूरी है, इन्हें टिकट दिवानी, पब्लिक की टिकट दिवाएगी ना। कल मुख्यमंत्री आसी आओगे, चलो घोषणा तो कर नहीं सकते कि मैं बिना जिला की, क्योंकि आचार संहिता लगी है, फिर भी लगा उस रैली तक बीजेपी की तरफ कुछ मोल पलटेगा? बीजेपी का सबने पता है, ये झूठे बाउंडर करते हैं, बीजेपी ने क्या किया है ना, किसान का कुछ किया, किसान रोडों पर रखे हैं पूरी उम्र, और
जो नौकरी करते हैं कर्मचारी हैं वो धरने पर रहे हैं, अभी तक कर्मचारी धरने पर बैठे थे आचार संहिता लगी। इस सरकार के अंदर किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, मजदूर है, मजदूर तंग है, हर प्रशासन सरकार से परेशान था और बीजेपी का जाने का टाइम आ गया आचार संहिता लगी। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी और हुड्डा जी का नेतृत्व में जो 10 साल में हुड्डा जी ने जो काम किए थे कांग्रेस पार्टी ने, उसके कामों को देखते हुए पब्लिक ने मन बना लिया है कि एक तरफा कांग्रेस सरकार को ही लाना है और बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। चलो, राजेंद्र चाल जी का जो है बड़ा दावा है कि एक तरफी कांग्रेस आने लग रही है और बीजेपी जाने लग रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? खुल के कमेंट करें, इतना वीडियो ने शेयर कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद।